जनपद आजमगढ़ में 2 दिन पूर्व एक ही फंदे पर मां और 11 माह के मासूम बेटी की लाश मिली, जिसको लेकर मृतक के भाई ने मृतका के सास ससुर और पति पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी सास ससुर और पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दीदारगंज की घटना है, दीदारगंज थाना क्षेत्र की, ये 24 तारीख की घटना है दहेज को लेकर के। क्योंकि गाड़ी दहेज में नहीं मिल रही थी, इसके वजह से तरह तरह से लड़की को प्रताड़ित करते थे। लड़की को और 11 महीने के बालक को दोनों का का मर्डर करके और उससे छत से लटका दिया गया था। वो देखते ही लग गया था कि ये मर्डर है। बाद में उसका पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम से ये जानकारी हुई कि थ्रॉटलिंग और स्ट्रैंगुलेशन दोनों का गला दबाकर को मार के छत से लटका दिया गया। उसमें तीनों अभियुक्त जो है गिरफ्तार हो गए, ससुर, लड़का और उसकी माँ। खबर यूपी के चंदौली से है। यहाँ ट्रेन की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 1 पुरुष, 1 महिला और 2 किशोरियां शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसपी, एडिशनल एसपी, डीटीयू रेल डिवीजन के डीआरएम, आरपीएफ कमांडेंट सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया। वहीं मृतकों के शव के पास ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रवासी मजदूर हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। वहीं देर रात मृतकों की शिनाख्त हो गई। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने बताया, पारिवारिक कारणों से और पति द्वारा महिला के ऊपर चारित्रिक दोष लगाए जाने से महिला ने अपने 3 बच्चों से ट्रेन से कटकर जान दे दी। पुलिस मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। भाई हटो, भाई भाई सामने से हटो। कि लोको पायलटन को बताया है कि एक मालगाड़ी 3375 जो मुगलसराय से सैदरजा की तरफ जा रही थी, उसने सूचना दी कि कुछ लोग ट्रेन पे लेटे हुए थे जो गाड़ी से कट गए हैं। तो ये सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस पहुँची वहाँ पे 4 लोग थे जो ट्रेन से कट गए थे। उसमें हमने क्या कहते हैं जान पहचान कराई और वहाँ घटना से प्राप्त मोबाइल फ़ोन से पता कराया, तो चार लोग की शिनाख्त हुई है जो कि सैयद रजा थाने के रहने वाले हैं, जिसमें से प्रेमशिला देवी हैं 40 वर्षीय, चंचल और रंजन 2 उनकी बेटियाँ हैं जो कि 20 और 16 वर्ष की है। उनका एक पुत्र अजीत है साथ में 19 वर्ष का, और ये सभी सुदाव पोस्ट मेडी थाना सैदरजा के रहने वाले हैं। और कारण पता करने पे ये पता लगा कि पति पत्नी में आपसी विवाद था, और उसमें आज सवेरे पंचायत बैठी थी जिसमें पति का ये आरोप था कि उसकी पत्नी की गलत संगत है और किसी अन्य के साथ उसका अफेयर चल रहा है, ये इसकी शिकायत थी। और आज शाम में उसने बताया कि 6 बजे पत्नी सहित सारे बच्चे घर से निकल गए थे और करीब 8 बजे फिर ये घटना हुई है। और ये यही है कि ये गुस्साओं के घर से निकले थे और ये इनके द्वारा सुसाइड किया गया। खबर गाजीपुर से है, जहां एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 6 वर्षीय बच्ची के साथ उसके चाचा ने ही दुष्कर्म किया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के लाल दरवाज़ा इलाके का है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
जबकि पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जनपद गाजीपुर के थाना कोतवाली अंतर्गत एक 6 वर्षीय बालिका के साथ उसी के परिजन द्वारा दुष्कर्म का एक मामला प्रकाश में आया था। तत्काल अभियोग पंजीकृत करके इसमें अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर बवाल का दौर जारी। रेलवे कर्मियों और टीटी ने किया हंगामा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर धरने पर बैठे। अधिकारियों पर तानाशाही, बदसलूकी का आरोप। बद इंतजामी और हंगामे को लेकर लगातार चर्चा में है स्टेशन। ट्रेन टिकट निरीक्षकों का आरोप, बिना सुरक्षा किट दिए ट्रेनों में टिकट चेक करने का दे रहे हैं दबाव। तुगलकी फरमान से नाराज ट्रेन टिकट निरीक्षकों ने स्टेशन पर किया हंगामा। हाथ में हाँ हमारे कोई आप कोई मतलब